चैनल एंड फाइनली बहुत दिन से GPS का सेटअप का वेट कर रहा था एंड वो आ गया। अनबॉक्स तो कर दिया एंड थोड़ा बाल सीधा नहीं है ना। GPS माउंट का इंस्टॉलेशन एक बाकी है, अभी GPS माउंट का इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। डब्बा कल निकाल के फेंक दिया एंड बस एक तीन बस आए। कैसा इंस्टॉल करना कि बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है, तो आप भी मैं दिखा दूंगा। एंड पिछले वाले ब्लॉग पे बनाना का दिखाया था ना, वो पीछे वाला 204 आए थे एंड ये देखो एंड इट्स गेटिंग रेडी फॉर अनदर 200, ये तो 250 तक रहेगा शायद, देखते हैं। एंड अभी GPS माउंट बहुत देखा था नहीं हुआ एंड एक्चुअली रैम माउंट यहाँ पे है ना, गाड़ी ऐसा चलाने के टाइम पे ऐसा देख लेना पड़ रहा है। ये तो सीधा है तो वहाँ पे बस नीचे डालना पड़ता है, इधर तो लेफ्ट देखना पड़ता है रैम माउंट से। सो ये रैम माउंट वहाँ पे फिक्स करने के लिए मैं देखता हूँ, अगर से आया तो ये फिक्स कर देंगे, नहीं तो ये वापस भिजा देंगे, इसका यूसेज नहीं है बोल के। ठीक है, अभी फटक से अपना टूल्स निकाल लेंगे, फटाफट फिट कर देंगे। एक्चुअली ये आया डब्बा में एक रोल के जैसा आया, जो क्लैंप्स दो क्लैंप्स है इसमें, ये चैलेंज के लिए के इसको खोलेंगे पहले, कुछ रैंडम सा लिंकी लिया और फिट हो गया। स्क्रीन निकाल के यहाँ पे दो स्क्रूस है ना, इसको फिट होने वाला है, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये नहीं आ रहा, ये तो भी आ जाना चाहिए, आ गया। ऐसा कुछ ऐसा ऐसा लगना शायद, लगाने का तो लगा रहा, देखने क्या होता है। तो अभी थोड़ा क्रॉस दिखा था, ऐसा लगा के ऐसा सेट कर लिया तो सीधा आया। देखना है रैम माउंट को इन्हें वेट ले सकती या नहीं के देखना पड़ेगा। अरे ओ दे होल वाला, हाँ ये रे, ऐसा सिंपल है, ऐसा टाइट कर लेना, बहुत सिंपल है। उंगलियों को बिना दर्द के ऐसे फिट कर लेते हैं, बस हो जाएगा। ये सिंपल का काम है, बाहर जाके हज़ारा लगाने का ज़रूरत नहीं है। फिट कर ले तो विंडो के सेट हो जाता, टेंशन नहीं कर लगना चाहिए, बहुत अच्छा टाइट बन रही है। ये थोड़ा टाइट कर ले तो, ये प्लास्टिक भी है लोग, थोड़ा संभाल के टाइट करना चाहिए, प्लास्टिक टूट गया तो ख़त्म।
इस तरीके से दिखता अपना। कुछ अपना जीपीएस माउंट इस तरीके से दिखता, ऐसा बहुत कट से बना दिया अपन, टाइट कर दिया। एंड थोड़ा गैप है यहाँ, थोड़ा गैप यहाँ पे है क्योंकि अपना जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, ऊपर नीचे हो सकता है स्क्रूस पे। सो प्ली अच्छा ही रहेगा शायद मेरे ख्याल से। एंड ये हो गया, अभी रैम माउंट फिट करना या नहीं करना है कि देखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, लगा के तो देखेंगे। चलो तो जीपीएस माउंट तो लगा दिए, बहुत टाइट बन दिया अपन। एंड थोड़ा कवर एक ही कवर है विथ रैप, अपना गाड़ी का नया दिखना बोल के, तो ऐसे छोड़ दिया, तो निकाल दूंगा एक दो दिन में। एंड उसके बाद रैम माउंट तो मैं कल या परसों इंस्टॉल करूंगा। किसके साथ बोले तो डायनेमिक राइडर्स को के पास जाना है, वहाँ पे इंस्टॉल करने लगा दूंगा। एंड इसको देखो कैसा देख रहा है। एंड इसी के साथ फुल्ली लोडेड SD एडवेंचर बन गया अपना गाड़ी, कंप्लीट फुल्ली लोडेड है। एंड एक ही एक ओनली वन थिंग कमी है, टॉप बॉक्स भी जल्दी आने वाला है। हो गया कंप्लीट सेटअप, हो गया पूरा सेटअप हो गया। टॉप बॉक्स भी आने के बाद से एक कंप्लीट रिव्यू करूँगा पूरा फुली लोडेड गाड़ी का। एंड इस वीडियो बस यहाँ तक ही लगाते हैं, एक छोटा सा अनरैपिंग, एक इंस्टॉलेशन, सेल्फ इंस्टॉलेशन ए भी अपन करे थे एंड ए भी अपन कर दिए। सेल्फ इंस्टॉलेशन अपन भी कर दे सकते हैं, उसके वजह से हज़ार रुपये मैकेनिक को देना ज़रूरी नहीं है। सो ये वीडियो बस यहाँ तक ही लगाते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड इसी के साथ मैं निकल जाऊँ, फिर अगले ब्लॉग पर मिलते हैं। बी सेफ, राइड सेफ एंड जय हिंद।